हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिट एपिसोड 20। एपिसोड 19 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोच बू यंदुओ को तैंगी बाई से दूर रहने के लिए प्रॉमिस करते हैं और यंदुओ सडनली खड़ी हो जाती है और पानी का ग्लास उठा लेती है। तो कोच बू उसके ऐसे बिहेव से डर जाती हैं कि कहीं वो पानी का ग्लास उनके फेस पर तो गुस्से में नहीं फेंकने वाली। लेकिन यंदुओ वो पानी पी लेती है और गुस्से में कहने लगती है, आप मुझे क्या समझती हैं? मैंने कभी भी तैंगी बाई को कोई हार्म नहीं पहुंचाया है, मैंने कभी भी कोई फेक न्यूज वायरल नहीं की उसके बारे में, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? वो मेरा फ्रेंड है और आप क्यों मुझे उससे दूर करना चाहती हैं? और जिस पे की आप बात कर रहे हैं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने ऑलरेडी पब्लिक में क्लियर कर दी है ये बात, और अगर आप मुझे और तैंगी बाई को अलग कर देंगे तो कोई और रिपोर्टर उसके बारे में उल्टी सीधी रिमर्स फैलाते रहेंगे। तो कोच वो कहती है, ठीक है, पहले शांत हो जाओ। यंदुओ कहती है, मैं तैंगी बाई को अच्छे से समझती हूँ, मैं कभी भी उसकी करियर में बाधा नहीं बनूंगी। तो कोच बू कहती है, लेकिन तुम नहीं जानती, तुम ऑलरेडी उसके करियर में बाधा बन चुकी हो, क्योंकि तैंगी बाई ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो यंदुओ शॉक हो जाती है और कहती है, क्या मेरी वजह से? तो कोच बू कहते हैं, हाँ, उसने ये बात डायरेक्टली तो नहीं बताई, लेकिन ये सब उसने तुम्हारे लिए ही किया है। अब तुम बताओ, क्या तुम तैंगी बाई को सैक्रिफाइस करता हुआ खुश देख सकती हो? तो यंदुओ फिर चुप हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोचेस साउ टीम को ट्रेनिंग पर फोकस करने के लिए कहते हैं और आगे यंदुओ काफी डिस्टर्ब होती है और तैंगी बाई के बारे में ही सोचती है कि क्या सच में तैंगी बाई ने मेरी वजह से वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, और खुद को ब्लेम करने लगती है कि क्या मैं उसके बीच की बाधा हूँ। आगे डायरेक्टर लियू आकर कहते हैं कि हमारी कंपनी में सबने अभी तक हार्ड वर्क किया है, लेकिन आप सबका ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ अब लिमिटेड नंबर सिर्फ 6 ही बचे हैं। तो मैं रिसेंटली सबका वर्क देखने के बाद उन टॉप 6 इंटर्न को ही रखूंगा, और वही टॉप 6 इस कंपनी में आगे भी वर्क करते रहेंगे, बाकी सबको जाना होगा। तो सभी इंटर्न शॉक हो जाते हैं और चैंगमी काफी खुश होती है, क्योंकि वो रैंक 1 पर जो है। वेल, बॉस लियू यंदुओ से पूछते हैं, क्या तुमने तैंगी बाई की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर लिया है? अगर नहीं किया तो ये चांस तुम चैंगमी को दे दो। तो यंदुओ कहती है, मुझे प्लीज आप एक और चांस दे दीजिए। लेकिन बॉस लियू कहते हैं, आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो तुम तैंगी बाई का इंटरव्यू लेना कैंसिल कर दो, या तुम ये चांस किसी और को दे दो। तो यंदुओ काफी हर्ट होती है और सॉरी कहती है कि वो अपने वर्क पर अटेंशन नहीं दे पाई, और कहती है, मेरी वजह से आप तैंगी बाई का इंटरव्यू कैंसिल मत करिए, तैंगी बाई इनोसेंट है, और हेल्पलेस होकर अपना चांस चैंगमी को दे देती है। फिर आगे यंदुओ काफी दुखी होती है, तो टीचर सन यंदुओ को एक लॉटरी में जीता हुआ गिफ्ट लाकर देते हैं। तो यंदुओ और नाराज हो जाती है और टीचर सन से कहती है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मुझे कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन आपने तो मुझे ये गिफ्ट देकर अभी से गुड बाय बोल दिया है, अपना गिफ्ट आप वापस ले लीजिए। तो टीचर सन उससे कहती है, बॉस लियो ने जो भी कहा है वो अपने वर्ड्स वापस नहीं लेते, अब तुम चाहे कितना भी हार्ड वर्क करो लेकिन शायद तुम अब यहाँ नहीं रह पाओगी। तो गाइस, वो उसे कंसोल करने के बजाय उल्टा अलविदा कह रहे हैं। तो यंदुओ कहती है, क्या अब मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है? तो टीचर सन कहते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन जरूर होता, अगर तुमने लास्ट टाइम सनयंग का इंटरव्यू ले लिया होता तो तुम रैंक 1 पर जरूर होती और गुड बाय वाला गिफ्ट उसे देकर चले जाते हैं। तो यंदुओ के माइंड में यही वेल बसती है कि अगर उसने सनयंग का इंटरव्यू लिया होता तो वह रैंक 1 पर होती। आगे तैंगी बाई का फोकस प्रैक्टिस पर नहीं लगता है, तभी चिरीपोंग आता है और कहता है, क्या तुम अभी भी यंदुओ और लिंजी के बारे में ही डिस्टर्ब हो? तो परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान सोचा है। तो चिरीपोंग यंदुओ को सेम स्टेडियम आने को कहता है, तो वो वहाँ आ जाती है। आगे तैंगी बाई और यंदुओ एक दूसरे को एक साथ सॉरी कहने लगते हैं। वेल, तैंगी बाई उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो यंदुओ कहती है, हो तो तुम उस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हो, लिंजी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने तो सिर्फ उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वो सब कहा था। तो तैंगी बाई काफी रिलैक्स हो जाता है। तो तैंगी बाई कहता है, सॉरी, उस इंसिडेंट की वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तो यंदुओ कहती है, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मैंने सुना है कि इस इंसिडेंट से तुम्हारे एशिया एलाइट की ऑफर पर इफेक्ट पड़ा है। तो तैंगी बाई कहता है, ये मेरा खुद का डिसीजन था, मैंने उसे रिजेक्ट किया है, मैं अपनी साउथ टीम के साथ ड्रीम कप में ही रहना चाहता हूँ, मैं ड्रीम कप में ओ यंग के साथ फाइट करना चाहता हूँ,
और अपने सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन में मैं अपने लक चार्म को ही देखना चाहता हूँ। तो यंदो कहती है मुझे, तो तेंग युबाई कहता है हाँ और उसके सर पर हाथ रखता है। तो गाइज यहाँ इन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन भी देखने को मिलता है। वेल टेंगी बाई उससे कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारी प्राइवेट ट्रेनिंग चल रही है तो मैं तुम्हें इंटरव्यू देने स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए तुम अब मंडी को आना। तो यंदुओ चुप हो जाती है। तो टेंगी बाई पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहती है, नहीं, हम मंडी को मिलते हैं, और उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोच बूसाओ टीम को ट्रेनिंग के लिए एक लेग पर लाते हैं और उनसे पूरे 10 राउंड लगाने को कहते हैं। तो पूरी साउथ टीम राउंड लगाती है। वेल कोच बू मन में कहते हैं, टेंगी बाई तुमने मेरे लिए एशिया एलाइट टीम का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, तो अब मैं तुम्हारे ड्रीम को तुम्हें अचीव कराने के लिए अपने सारे एफर्ट लगा दूंगा। इधर यंदुओ संग यंग का इंटरव्यू लेने के लिए आती है, तो वहाँ ऑलरेडी काफी सारे रिपोर्टर्स होते हैं। तो वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक होटल आई हुई है और कहती है, क्या सच में सन यंग यहाँ आया हुआ है? लेकिन उसका मैनेजर आकर सभी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू लेने के लिए मना कर देता है और उन्हें वापस जाने को कहता है। तो यंदु एक बार फिर से अपसेट हो जाती है। इधर चिरी फांग कोच बू के लॉकर से सबके फोन चुरा लेता है और कहता है, जिस जिसकी है वो ले लो। तो मिंगतियान कहता है, तुम्हें उनके लॉकर का पासवर्ड कैसे पता? तो चिरी फांग कहता है, मैंने कोच युआन का बर्थडे गैस किया था। तो उस पर सब हंसने लगते हैं। वेल चिरी फांग टेंगी बाई से कहता है, अब तुम यंदो को टैक्स भी कर सकते हो। फिर लिंगी सबसे कहता है, चलो कार्ड्स खेलते हैं, जो भी हारेगा उसे पनिशमेंट में ये गर्ली ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो चिरी फांग कहता है, ओके। तो टेंगी बाई कहता है, तुम सब खेलो, मैं सोने जा रहा हूँ। तो चिरी फांग कहता है, लगता है तुम इस गर्ली ड्रेस पहनने से डरते हो, इसलिए नहीं खेल रहे हो। तो टेंगी बाई कहता है, मैं नहीं डरता हूँ, ठीक है चलो चैलेंज हो गया, मैं भी ये गेम खेलूंगा। तो फिर सब मिलकर गेम्स खेल ही रहे होते हैं और गाइज इस गेम में चिरी फांग हार जाता है, तो उसे पनिशमेंट में गर्ली ड्रेस पहननी पड़ती है और लिंगी और मिंगतियान उसकी पिक क्लिक कर लेते हैं और यंग यंग भी उसे इस लुक में देखकर डंप कहती है। और फिर चिरी फांग को उन दोनों पर गुस्सा आता है और ये सीन काफी फनी होता है। आगे यंदुओ फिर से सन यंग का इंटरव्यू लेने के लिए आती है ताकि उसे चांस मिल जाए। इधर साउथ टीम भी फिर से उस लेक के चारों ओर राउंड लगाती है। तो फाइनली संग यंग उस होटल से बाहर आता है और यंदुओ उसे देखकर शॉक हो जाती है। तो जैसे ही वो बाहर आता है मीडिया उसे घेर लेती है, लेकिन सनी यंग अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और उसका इंटरव्यू कोई भी नहीं ले पाता। तो यंदुओ उसकी मैनेजर को एक कार्ड देती है और कहती है, मैं सनी यंग का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, प्लीज ये कार्ड सनी यंग को दे देना। तो उसका मैनेजर वो कार्ड ले लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यंदुओ फिर से सनी यंग का इंटरव्यू लेने आती है, लेकिन फिर उसका इंटरव्यू कोई नहीं ले पाता है। तो ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। यंदुओ डेली उसका इंटरव्यू लेने आती है लेकिन वो नहीं ले पाती है। इधर साउथ टीम को भी पर्सनल प्रैक्टिस करते हुए काफी दिन हो जाते हैं। वेल यंदुओ उसकी मैनेजर को डेली कार्ड देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो फिर से उसी होटल आती है और सनी यंग का वेट करती है। इधर टेंगी बाई यंदुओ को स्काई की पिक सेंड करता है और उसे देखकर वो हैप्पी होती है। वेल आगे यंदुओ घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि आंटी लू की तबीयत काफी खराब है। तो यंदुओ कहती है, आपको क्या हुआ? तो आंटी लू कहती है, मुझे कोल्ड और कफ है, तुम मुझसे दूर रहना वरना तुम्हें भी हो जाएगा। तो यंदुओ कहती है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। लेकिन आंटी लू कहती है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ टेंगी बाई को बुलाने में मेरी हेल्प कर दो, मैं उसे देखकर ठीक हो जाऊंगी, जल्दी करो उसे कॉल करो। इधर कोच बू सभी स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं कि मेरी लॉकर में से 4 फोन गायब हुए हैं, मुझे पता है ये तुम लोगों की ही हरकत है, जल्दी करो मुझे फोन वापस कर दो। तो वो लोग उन्हें रिटर्न कर देते हैं। तो कोच बू कहते हैं, टेंगी बाई तुमने मेरा रूल तोड़ा है, अब तुम्हें पनिशमेंट में पूरे 10 राउंड लगाने पड़ेंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड यही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.